सगळ्यांना नमस्कार की आज आपण शिवसूत्राची सुरुवात करत आहे. तो बात बस इतनी सी है कि इसके पहले की जो भी प्रवचन मालाएं थी वो हमने डेट फिक्स की थी कि वो 4 दिन चलेगी, वो 5 दिन चलेगी. लेकिन शिव सूत्र के बारे में हमने ऐसा कुछ भी कहा नहीं है कि ये इतने दिन चलेगी. उसका रीजन ये है कि हमें नहीं पता कि हम कितना बात करें. तो हो सकता है कि 10 दिन में लग जाए या 12 दिन भी लग जाए, ठीक है. लेकिन शिव सूत्र उन ग्रंथों में आता है कि जिस पर बहुत कम लोगों ने बात की है. शिव सूत्र उन चीजों में आता है कि जिस पर बात करना बहरा कठिन है. ये वो चीज ही नहीं है जिसके आसपास बिजनेस बनाया जा सके. ये सूत्र वैसा है ही नहीं जिसके आसपास किसी तरह का बिजनेस मॉडल क्रिएट किया जा सके. ये सूत्र प्योर आध्यात्मिक है. अगर कोई एक एक शब्द भी इसका खुद सुन ले बराबर, अगर कोई इसे एक एक शब्द भी खुद के भीतर बराबर से संजो ले, तो वो पाएगा कि उसके भीतर की यात्रा और गहरी होने लगी. अगर तुम अपने भीतर भी डूबने लगे इस सूत्र के साथ, अगर तुम समझ सके इन सूत्रों को, तो तुम पाओगे कि बड़ी आसानी हुई तुम्हें अपने भीतर जाने की. क्योंकि महादेव ने कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात किया है, कुछ इतनी डीप बातें कही है कि जो शायद ही बहुत कम लोग कर पाते हैं. मैंने पाया है हमेशा कि जिसने भी जाना है उसने बड़ी सरलता से बड़ी चीज कह दी. उसने बड़ी सरलता से बड़ी सहज चीज, सबसे बड़ी चीज भी बड़ी सरलता से कही. उसे बड़ी बड़ी चीज नहीं लगी, बड़े बड़े ग्रंथ नहीं लगे, ना ही लिखने के लिए, ना ही उसने कोई स्टोरी बताई. जैसे कि बहुत से ग्रंथों में स्टोरिया है, बहुत से ग्रंथों में बहुत सी स्टोरिया है. हमें ऐसा लगता है कि उन स्टोरियों से हम कुछ सीखेंगे और उन सीखे हुए चीजों से हमारे जीवन को बदलेंगे. इस देश में हजारों लोग हजारों कहानियां रोज बता रहे हैं. मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये देश सुधरा? कई लोग तो ऐसे है कि जो भगवत कथाओं में हम जाते हैं, कई कई दिन बिताते हैं और वापस आने के बाद हमें पता चलता है कि हम तो जैसे थे वैसे ही. ज्यादा से ज्यादा तुम जाते हो, वहां पे टाइम पास करते हो, किसी भगवान का थोड़े देर नाम लेते हो, कहते हो कि वाह, हम कृष्ण की स्टोरी इतने बार सुन चुके, हम राम की स्टोरी इतनी बार सुन चुके कि बच्चे बच्चे को पता है. लेकिन उस स्टोरी को सुन के क्या हमारे जीवन में कुछ बदला? यह मौलिक चीज है, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इन स्टोरियों से हुआ क्या. क्या हमारे जीवन में कोई बदलाहट आई? क्या सच में हम राम बने? क्योंकि राम का जीवन तो जीने योग्य है. राम का जीवन तो ऐसा है कि तुम अपना सकते अपने जीवन में. लेकिन कितनी बार तुमने राम की कथाओं को सुना और तुम कोरे ही वापस आ गए. महादेव के सूत्र बड़े विशेष है, महादेव के सूत्र बड़े ही प्रखर है. महादेव के सूत्र ऐसे है जैसे कि आग, और आग से हर कोई खेल नहीं सकता. लोग तो आग से दूर भागते हैं क्योंकि ये तुम्हें जलाने की ताकत रखते हैं. मेरी बात को बराबर से समझना कि इन सूत्रों को सिर्फ सुनना नहीं है. इसके पहले हमने जो भी मेडिटेशंस किए, जो भी गाइडेड मेडिटेशंस किए, उसमें मैंने हमेशा यही कहा तुमसे कि समझने की कोशिश मत करना, कि तुम सुन लो, अपने भीतर जाने दो शब्दों. लेकिन मैं तुमसे पहले बार कह रहा हूं कि इन चीजों को समझना, इस महादेव के एक एक सूत्र को तुम अगर समझ लो तो भी क्रांति हो जाए. अगर तुम समझ सको, अपने जीवन में उतार सको, तो भी तुम पाओगे अब जीवन पहले जैसा नहीं रहा. शिव सूत्र की जो शुरुआत होती है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि शिव सूत्र लिखा गया पहले बार, जो लिखित है वो आता है 8वीं शताब्दी में. 8वीं शताब्दी से इसे लिखित किया गया. वसुगुप्त नाम का एक ऋषि कह लो, वो महादेव का साधक था. और 3 स्टोरियां है कि किस तरह से शिव सूत्र उतरा. 3 स्टोरियां है मेन. पहली स्टोरी तो ऐसी है कि महादेव उसके सपने में गए और उन्होंने शिव सूत्र को बताया, एंड ही राइट इट डाउन. दूसरी एक चीज ऐसी है कि कोई शिव रूप व्यक्ति उनसे मिला और उसने उन्हें शिव की वो बातें बताई जो शिव सूत्र में आती थी और पीढ़ी दर पीढ़ी शुरू थी महादेव के नाम पे. जैसे हम कहते हैं ना कि मौखिक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत वो शुरू थी, उसने वसुगुप्त को बताया और वसुगुप्त ने बाद में लिख दिया. और तीसरी जो स्टोरी है जो सबसे पॉपुलर है, वो एक है कि रात के समय में सपने में महादेव ने आकर खुद वसुगुप्त से कहा कि एक जगह
है, वहां पे जा, वहां पे एक शिला है, उस शिला को पलटा। वहां पे मैंने ऐसी कुछ चीजें लिख रखी है जो मैं मनुष्यता को देना चाहता। मैंने अपने सूत्र लिख दिए, मैंने अपनी चीज लिख दी। तो कहते हैं कि सुबह वसुगुप्त उठा, वहां गया, इस शिला वहां पे थी जहां पे महादेव ने बताया था, उसे पलटाया, जो भी लिखा था उसने लिख लिया। और जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, जब उसने पढ़ के लिख कर बात खत्म की, उस शिला पर जो भी लिखा था वो गायब। ऐतिहासिक रूप से उस शिला को कहते हैं शंकरपाल, और कश्मीर में दचिंगम नेशनल पार्क है, वहां पे वो है, श्रीनगर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। तो अगर आप वहां पे जाएंगे तो आज भी वो शिला को दिखाया जाता है जो कहा जाता है कि शिव सूत्र का मुख्य ओरिजिन है। मजे की बात यह है कि शिव सूत्र, अब ये शिव जो शब्द है ये पुराना है, महादेव शब्द अभी का है। कुछ हजार साल पहले से महादेव शब्द को लोगों ने एक्सेप्ट किया, जब से पौराणिक काल आया। और महादेव के आसपास, शिव के आसपास बहुत सारी स्टोरियों को रचा गया। जब से शिव के आसपास सारी की सारी स्टोरियों को बनाया गया, तब से महादेव ये शब्द बना। लेकिन ओरिजिनल जो शब्द है, सबसे पहला शब्द महादेव के बारे में, वो है रुद्र, और उसके बाद है शिव, और उसके बाद है महादेव। तो शिव का सूत्र, सूत्र का मतलब है थ्रेड, बंधन, ना बांधते हैं हम हाथ को बांध। या अगर संस्कृत में देखें तो इसके एक दो और अर्थ है। सूत्र का मतलब है सत्य, त्रुथ, शिव का सत्य। और भी एक उसका अर्थ आता है जो मुझे पसंद है, वो यह है डायरेक्शन, रास्ता। सूत्र का मतलब रास्ता, शिव का रास्ता। तुम कह सकते हो कि शिव ने बनाया हुआ रास्ता, शिव ने बताई हुई कुछ ऐसी विधियां, शिव ने बताई हुई कुछ ऐसी बातें, जिसको अगर तुम समझ भी लो अपने जीवन में, बस सुन भी लो और समझ भी लो, तो भी तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा होगा जो कई सालों की मेहनत के बावजूद हो ना सकता। इस पूरे सूत्र के बीच में एक पूरा का पूरा जो साधना का पथ है वो साक्षी भाव का है। शिव साक्षी के पूजक है, शिव साक्षी के बारे में ही बात करते हैं, शिव इस पूरे के पूरे श्रृंखला में साक्षी पर ही काम करते हैं। शिव कहते हैं कि एक ही पथ है साक्षी, लेकिन साक्षी भी तब जागरूक होता है जब तुम बाहर के जीवन में कुछ चीजें समझ लो। तुम्हें समझ तो आना चाहिए तुम्हारे जीवन के साथ हो क्या रहा है, तुम्हें पता तो चले कि आसपास क्या हो रहा है, वरना जीवन ऐसे ही बीत जाता है और हमें समय तक नहीं मिलता अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए। हम हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें रख देते हैं कि जॉब लग जाए, शादी हो जाए, थोड़ा कमा लूं, घरवार बना लूं, थोड़े पदों पे चला जाऊं। इसके चक्कर में ही तुम अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ किए जाते हो। समय तो निकल जाता है, हाथ कुछ लगता नहीं। और ये जब समझ आता है तब बड़ी देरी हो जाती, तब ऐसा हो जाता है कि उम्र तो बीत गई, ना राम मिला ना माया, कि माया में थे और माया को भी पूरी तरह से भोग ना पाए, माया को भी पूरी तरह से जी ना पाए, और ना ही माया मिली ना ही राम मिला, और किया दोनों ही और किया एक भी नहीं। ये भी करने की कोशिश की, कैसे तो भी आधा घंटा भगवान को तुम लेते हो, पानी उस पे डालते हो, धड़धड़ पोछते हो, रख देते हो, पूजा तो तुम रोज कर रहे हो, लेकिन क्या तुम सच में कर रहे हो? और जो तुम काम भी कर रहे हो अपने जीवन का, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या वो भी तुम पूरी तरह से कर रहे हो? अगर तुम तुम्हारी गाड़ी भी चला रहे हो, जिसके लेने के लिए तुमने लोन निकाले, पैसे को जमा किया, तुमने सपना देखा, उस गाड़ी को चलाते वक्त भी तुम किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो, तुम और कुछ प्लानिंग कर रहे हो, तुम और किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, उस गाड़ी को चलाने का आनंद तो तुम्हें आया ही नहीं कभी। और यही चीज अगर तुम पूरे अपने जीवन में देखो तो यही तुम पाओगे। तो शिव सूत्र में पूरी की पूरी साक्षी की विधि, एक ही विधि है, एक ही उपाय है, साक्षी, शिव कहते हैं। अब शिव को अगर आप देखो तो शिव के लिखे हुए दो तीन ग्रंथ है, तीन ग्रंथ, और बहुत ज्यादा बकचोदी नहीं है, बहुत ज्यादा शब्दों की बारिश नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई 10-15 हजार शब्दों में लिख गए शिव, ऐसा नहीं है कि कोई 10-15 हजार वर्सेस लिख गए, 77। और मजे की बात यह है कि अगर आप कहीं श्लोक कहते हैं तो श्लोक है नॉर्मली दो वर्ड, दो लाइन का, चार लाइन का, कभी तीन लाइन का एक श्लोक है, राइट? और फिर उस श्लोक का एक्सप्लेनेशन। लेकिन शिव सूत्र में अगर आप देखेंगे तो पहला श्लोक आता है एक शब्द का, दूसरा श्लोक आता है दो शब्दों का, तीसरा श्लोक आता है दो शब्दों का,
बस दो ही शब्द, एक ही शब्द में महादेव ने अंतिम चीज कह दी, ऐसी चीज कह दी कि बस सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। तो जिसने जाना है वो तो अंतिम चीज कह देगा, लेकिन ये भी समझ लो कि फिर बहुत से लोगों को ये लगेगा कि बहुत से लोगों ने जो बात की अभी के पिछले 100 सालों में, वो इतनी बात की प्रबुद्धों ने, जिन्होंने खुद को जाना, इतने इतना वो बोले, इतना उन्होंने बात की, प्रवचन मालाएं दी, हर जगह जाके प्रवचन किए, फिर वो क्यों इतना बोले? उसका रीजन ये है कि आज का मनुष्य अलग, उस वक्त का मनुष्य अलग था, उस वक्त का मनुष्य ऐसा था कि समझाने से समझ जाता, अब वैसा नहीं है। अब तुम 100 जगहों पे जाओगे एक ही चीज को समझने के लिए और फिर भी समझ ना पाओगे। अब हम इतना भर चुके हैं खुद को कि अब कुछ आता भी है तो ऊपर से निकल जाता है। इसलिए पिछले 100 साल की श्रृंखला में तुम पाओगे कि जो भी प्रबुद्ध हुए उन्होंने बहुत बात की, उन्होंने कहा कि किसी तरह से तो समझ जा, चाहे तुम शिव सूत्र लो या कोई भी सूत्र लो, किसी भी जागरूक इंसान ने लिखी हुई कोई भी चीज तुम पकड़ लो और तुम पाओगे कि उसने बात तो एक ही कही, उसने यही कहा कि तू कब खुद को भूल जाएगा, उसने यही कहा कि कब तू खुद मिट जाएगा, उसने यही कहा कि तेरे मिटते ही तेरे जीवन की शुरुआत, कब तू मिटेगा ये तेरे हाथ। उसने ऐसे ही पथ को जनरेट किया कि तुम मिटो, तुम अपने भीतर डूबो, लेकिन बावजूद उसके ये सब सुनने के बाद भी हम कोरे हैं। लेकिन शिव का एक एक सूत्र बड़ा ही प्यारा है, बहुत कम लोगों ने उस पर बात की और उसके अपने कुछ रीजंस। मैंने सीधी बात कही कि बिकॉज शिव सूत्र के आसपास बिजनेस खड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए इस पर बहुत से लोगों ने बात भी नहीं की, समझा भी नहीं, समझाया भी नहीं। क्योंकि अग्नि है, एक ऐसी अग्नि है जिस पे अगर तुम छलांग मार ही लो तो बात बदल जाएगी। तो पहला तो है शिव सूत्र, उसके बाद है विज्ञान भैरव तंत्र। शिव सूत्र में शिव ने कही गई बात है, शिव सूत्र है मार्ग, शिव सूत्र है कि जो महादेव ने बताया सबके लिए। विज्ञान भैरव तंत्र शिव और पार्वती का टॉक है, बातचीत है। सबको पता है कि अमरनाथ की गुफा में विज्ञान भैरव तंत्र की निर्मिति हुई। अगर आप विज्ञान भैरव तंत्र को भी देखेंगे तो वो भी 164 वर्सेस में आ गई, 112 विधियां दी मेडिटेशन की महादेव ने। लेकिन ये सब होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 164 वर्सेस में सब हो गया। और उसके बाद का एक अंतिम ग्रंथ जो महादेव का माना जाता है वो है परात्रिशिका। तंत्र का जो भी विज्ञान है, तंत्र जब भी बना तब तंत्र का जो आराध्य दैवत है वो शिव ही। चाहे तुम किसी भी संप्रदाय को पूछ लो जो तंत्र की साधनाएं लेके बैठे हैं, चाहे वो शैविज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे तुम पकड़ लो स्त्री मतलब शक्ति के उपासकों को या काली के उपासकों को, हर कोई तुमसे एक बात जरूर कह देगा कि शिव की निर्मित, तंत्र की निर्मिति शिव से हुई, शिव ही है उसके केंद्र, और सारा का सारा तंत्र इसी एक किताब से निर्मित है। एक ही किताब है परात्रिशिका, इससे ही सारा तंत्र निर्मित है। अब परात्रिशिका में जो वर्सेस है वो कितने हैं? तो सिर्फ 37। कहा बात चली हजारों की और कहा है 37 और 30। तो जब भी मैं शिव पर, जब भी मैंने शिव सूत्र को देखा, पढ़ा, उसके वर्सेस को जब मैंने पढ़ा, तो मुझे हमेशा याद आती है लाओ त्सु की, कि जब लाओ त्सु ने भी अपना अंतिम ग्रंथ दिया दुनिया को तो वो सिर्फ 70 वर्सेस का है, तो 70 वर्सेस में बात कह दी, बात खत्म हो गई। जो उतने में ना समझ पाया वो और कितना बात करे उसको। तो चाहे इन शब्दों को सुन के अगर तुमने कभी शिव सूत्रों की किताब को देखा हो और उसके वर्सेस को तुमने पढ़ा हो, तो तुम पाओगे अरे एक शब्द में क्या है, बस एक शब्द में बात कह दी। और जब उसका तुम डिटेलिंग भी देखोगे बहुत से लोगों के पास, तो वो बड़ी छोटी एक छोटा सा एक्सप्लेन कर देंगे उसको कि इसका मतलब ये है। तो तुम पाओगे कि तुम कंफ्यूजन में आ गए कि यार बस इतनी सी बात कह दी। अगर इतनी सी बात होती तो क्या बात होती, अगर इतनी सी ही बात होती तो कब की समझ गई। इसलिए शिव पर बहुत कम लोग बोले, शिव पर बहुत कम लोगों ने काम किया, जो एग्जैक्ट शिव सूत्र है उस पे। बाकी तो फिर महादेव के नाम पर जो कथाएं प्रचलित हुई
महादेव के नाम पर जो पूरा का पूरा शिव महापुराण वगैरह जो लिखे गए वो तो अभी हजार साल पहले लिखे गए, उससे महादेव का कोई वास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें महादेव की स्टोरियां है, उसमें कथाएं हैं महादेव की, उसमें महादेव के सूत्र वगैरह नहीं है, उसमें कोई तुम्हें रास्ता नहीं बताया है, बस प्रॉपर स्टोरियां है। जब तुम्हें बच्चों को नींद लानी हो तब रात को सुना देना एक एक स्टोरी, और कुछ नहीं है। तो आजकल दो तीन चीजें पॉपुलर हो रही, एक तो है भगवत कथा जो पहले से चली आ रही है बहुत समय से, अभी पिछले कुछ 5-10 सालों में अगर तुम पाओगे तो महादेव की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बहुत से लोगों ने शिव महापुराण को भी शुरू कर दिया कि 5 दिन का शिव पुराण। उस शिव पुराण में है क्या? शिव की स्टोरी। लेकिन ये एंटरटेनिंग है इसलिए चलता है क्योंकि जब स्टोरियां बताई जाती है तो कहा जाता है कि वो म्यूजिक वाला बजता है धड़ 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 धड़, वो बिजली कड़केगी आवाज आवाज लगा देता है और आ गए महादेव धड़ 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 तबला वबला बजा देगा, शंख वंख बजा देगा, लोगों को एंटरटेनिंग है। तारक मेहता देख लो, सच एंटरटेनिंग थिंग। अगर तुम कोई टीवी सीरियल देखोगे और अगर उसके पीछे का बैकग्राउंड और वॉइस निकाल दिया तो उतना मजा नहीं आएगा। पहले के सीरियल्स होते थे ना, अगर कोई जोक हुआ तो वो हंसने का वो बैकग्राउंड आवाज आता ना, बहुत पहले के सीरियल्स। अभी वैसा नहीं होता, अभी एक हल्का सा म्यूजिक चलता रहता है पीछे, तो चाहे तुम उसको देखो या पीछे के साउंड के कारण तुम बने रहो, बात एक ही। अगर तुमने वो सीरियल बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के देख ली तो उतना एंटरटेनिंग नहीं होगा। तो वो पूरा का पूरा एक एंटरटेनिंग करने के लिए, लोगों को पसंद आए इसलिए वो पूरा का पूरा बैंड बाजा ये सब। मैं जानता हूं कि इस शब्दों के बाद बहुत से लोग मुझे बहुत सारी गालियां देने वाले हैं, लेकिन सत्य के लिए कुछ भी, जो है ऐसा है, जो है ऐसा ही। तो शिव के ऊपर हम चलेंगे और शिव के ऊपर बात करते हुए हम ये समझ लेंगे कि शिव के 77 वर्सेस में जो ओरिजिनल किताब है उसमें 3 डिविडेशन की गई, वो 10वीं शताब्दी में। वो इसलिए हुई क्योंकि जो 77 वर्सेस थे उसको अलाइन किया गया, तो हम उसी तरह से जाएंगे क्योंकि वो सही भी। बहुत सी किताबें हैं, बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों ने उस पर बात की है और उनने भी 3 डिविजन में ही उस पर बात की है क्योंकि उसका रीजन है कुछ। जैसे कि पहला जो पार्ट आता है वो है रिमूविंग द वेल, या जिसको हम कहते हैं कि पर्दे को हटाना। अगर तुम शिवसूत्र को देखोगे तो शिवसूत्र में ऐसा है कि पहला जो पार्ट है उसका, उसको कहा गया है शांभव उपाय, ठीक है, शांभव उपाय। इसका सीधा सा मतलब है कि अ वे ऑफ शिव, शिव का रास्ता, ठीक है, शांभव उपाय, शिव का बताया हुआ रास्ता या उपाय। ये उसका पहला चैप्टर है और उसमें कुछ वर्सेस है। हम आज 2 ही वर्सेस पे बात करेंगे जो पहले है, और उन 2 पे ही आज हम बात करेंगे क्योंकि वो उतने डिटेल है। अगर मैं सच्चाई तुमसे कहूं तो बस पहले 4 वर्सेस में तुम अंदर डूब जाने चाहिए, बाकी 77 तो छोड़ दो। 57 एक सूत्र है उसमें का, उस सूत्र तक आते आते शिव कहते कि यू बिकम एनलाइटन। अगर तुम इस चीज को समझ लो तो 57वें सूत्र तक आते आते शिव कहते कि तुम जागरूक हो चुके, तुम पहुंच चुके। अगर तुमने इस 56 को भी बराबर से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो 57वें सूत्र को समझते समझते ही तुम जागरूकता को अनुभव कर लो, तुम पहुंच गए। और उसके बाद के जो सूत्र है वो आफ्टर एनलाइटनमेंट के लिए, कि जागरूक व्यक्ति को पहचाने कैसे या जागरूक व्यक्ति क्या करता है उसके बाद, इसके ऊपर है 57 के बाद के सूत्र। वो इतना डिटेल है, वो इतना खूबसूरत है। हमारे देश में एक बहुत प्यारी शाखा थी कश्मीरी शैविज्म, कश्मीरी शैविज्म की एक बहुत प्यारी शाखा थी जो अब कहीं लुप्त हो चुकी फॉर द वेरियस रीजंस। ये शिव सूत्र उसी में गिना जाता है। अगर हम इतिहास की बात करें, शिव सूत्र को कश्मीरी शैविज्म में ही ऐड किया गया है हिस्टोरिकली, और अगर तुम पाओगे तो कश्मीरी शैविज्म में जो शिव पे काम हुआ वो बहुत कम जगहों पे, उतना डिटेलिंग में, उतना खूबसूरती के साथ बहुत कम जगहों पे काम हुआ जैसा काम कश्मीर में हुआ शिव पर। और वहां पर वैसी जगह भी है, जैसे कहते हैं कि महादेव ने जो अंतिम चीज बताई पार्वती को वो भी बताई अमरनाथ की गुफा, वो है भी कश्मीर। अब ये शिव सूत्र के बारे में भी जो स्टोरी है वो है ही ऐसी कि कश्मीर से कुछ किलोमीटर दूर वो शाखा शिला थी जिस पर ये लिखा था, वो भी जगह कश्मीर में।
तो कहीं ना कहीं वो शाखा लुप्त हुई और बहुत सी चीजें हमने खो। लेकिन शिव का एक एक सूत बड़ा ही प्यारा है। शिव का एक एक सूत ऐसा है जो समझने की कोशिश करना, और मैं कोशिश कह रहा हूं, तुम समझ नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। पहले सूत्र पे हम आते हैं। पहला सूत्र है चैतन्यम आत्मा। ठीक है, एक ही शब्द, कोई वर्स नहीं है। अब इसको वर्स कहे भी या नहीं, श्लोक कहे भी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। शब्द बड़ा प्यारा है, चैतन्यम आत्मा। अगर इसको तुम इंग्लिश में देखोगे तो इसे कहा जाता है कि द सेल्फ इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, कि तुम चेतना हो, तुम खुद जागरूकता हो। इस पूरे के पूरे ग्रंथ में तुम पाओगे कि ये वननेस के लिए काम करता है। शिव कहते हैं कि ड्युअलिटी है ही नहीं। शिव तुम्हें कभी अच्छी बुरी बात ही नहीं बताएंगे। शिव तुमसे कभी नहीं कहेंगे कि ये मत करो वो मत करो। शिव तुमसे कभी नहीं कहेंगे झूठ मत कहना सच मत कहना। ये तो बेवकूफों की काम है, ये तो गधों की विरासत है जो तुमसे कहेंगे कि सुबह 4 बजे उठ जाना। ये तो गधों की विरासत है जो तुमसे कहेंगे कि बस सत्य के राही फलाना। ये तुम्हें द्वंद्व में अटका रहे। ये कहते हैं कि तुम झूठ बोलो तो सच, और सच बोलो तो झूठ। वो कहेंगे तुमसे कि तुम पुण्य इसलिए करो ताकि तुमसे पाप ना हो। वो कहेंगे कि क्योंकि स्वर्ग चाहिए इसलिए ये करो। ये स्वर्ग नर्क की बातें, ये ड्युअलिटी है, ये दो की बात है, ये द्वंद्व है। तो पूरे के पूरे शिव सूत्र में शिव ने कभी नहीं कहा कि ये मत करना वो मत कर, ऐसा मत करना ऐसा। उसने कहा कि बस सिंपल चीज है, और वो सिंपल चीज इतनी सिंपल है कि चैतन्यम आत्मा, कि जो भी तुम खुद को समझे हो वो तुम हो ही नहीं। तुम हो कौन? तो तुम हो वो चेतना, तुम हो वो आत्म तत्व, तुम ड्युअलिटी में हो ही नहीं। पहले सूत्र में ही अंतिम बात कह दी शिव ने। बहुत से लोग इस चीज को आखिरी में रखते हैं। वो तुम्हें बताते हैं कि ड्युअलिटी से कैसे निकलना चाहिए, भीतर में कैसे जाना चाहिए, भीतर की यात्रा कैसे करनी चाहिए, फिर एक एक सूत्र जागृत होगा, फलाना होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, एंड एट लास्ट क्या होगा, तो फिर तुम आत्म तत्व में विलीन होगे। बराबर, तुमने भी बहुत सारी आध्यात्मिक किताबें पढ़ी होगी, उसमें भी यही है, उसमें भी तुम्हें यही सिखाया है कि यहां से शुरू करो, फलाना करो, 4 बजे उठो, अपने जीवन को स्थिरता लाओ, ये करो वो करो, झूठ मत बोलो, पाप मत करो, पुण्य करते चलो, खुद को प्यूरिफाई करो, फिर मन को संभालो, फिर शरीर को। ये सारी सारी बातें होने के बाद अंतिम कहा गया कि अगर तुम ऐसा जियो, इस तरह से जाओ, तो तुम उस परमात्मा का अनुभव करोगे जो तुम्हारे भीतर है। और यह शिव जो अंतिम बात पहले कह देते हैं, शिव कहते हैं कि ये सब बाद में, बात समझ ले, तू है कौन? तू है आत्मा, तू है चैतन्य, तू वो है ही नहीं जो खुद को समझा है, तू वो है ही नहीं जो तू खुद को मानता है, तू वो है ही नहीं जो अब तक तू जी रहा है, तू तो वो चेतना है, तू तो तेरे भीतर है, तू तो वो आत्म तत्व है। अब मजे की बात देखना, बहुत से लोगों को ये चीज समझने में बड़ी मुश्किल हो जाती है कि ये आत्मा क्या, परमात्मा क्या, या खुद क्या। एक बात समझना कि हम कहते हैं कि जब बच्चा जन्मता है ना, तो हर जगह पे कहा जाता है कि जब बच्चा जन्मता है तो भगवान उसके साथ है। हम कहते हैं ना कि देव त्याच्या सोबत बोलते। मराठी में एक कहावत है कि जब बच्चा जब सोता है, अब सोने के बाद ना छोटा बच्चा अलग अलग मुंह बनाता है। देखा होगा बहुत लोगों ने, जब छोटा बच्चा 1-2 महीने का जब सुलाओगे तुम उसको, तो सोते सोते वो अलग ही मुंह बनाएगा। तो हमारे यहाँ पे दादी नानियां कहती थी कि वो ना भगवान से बात, भगवान उससे बात करते जब वो सोता। ये बड़ा सांकेतिक है, इसका मतलब है कि जब वो सोया हुआ है, जब वो जन्मा है, तो वो क्लीन है, वो चेतन है, वो जागरूक है, और उसके बाद तुम पूरी मेहनत लेते हो उसको खुद से तोड़ने के लिए, उसको ड्युअलिटी में लाने के लिए। उसके बाद तुम पूरी मेहनत लेते हो उसको संस्कारित करने के लिए, उसको तुम सच झूठ बताते हो तो कुछ भी नहीं जान, उसको कुछ है ही नहीं, वो तो क्यूरियस है लाइफ के प्रति, वो तो बस होने के भाव में है कि वो है, और तुम पूरी की पूरी मेहनत लेते हो उससे खुद को तोड़ने के लिए। तो आज मैं तुमसे पूछता हूं कि जो शिव कह रहे हैं कि चैतन्यम आत्मा, कि तुम ही चैतन्य हो, तुम ही आत्म तत्व हो, इसका क्या मतलब है कि अगर फिर तुम जो हो वो कौन है?
सवाल तो यही है कि अगर तुम आत्म तत्व हो, ये तो तुम जानते नहीं, तो अभी तुम जो हो वो है कौन? इस चीज को ऐसे समझ लेना कि जैसे कि ये तुम्हारा शरीर है, मैं तुमसे पूछूं कि तुम कौन हो, तो तुम्हारे भीतर से एक तो तुम्हारा नाम आएगा, तुम्हारी जाति आएगी, तुम्हारा सरनेम आएगा, या हो सकता तुम्हारा प्रोफेशन आएगा। मैं तुमसे पूछता हूं कि ये कहां से आया, ये तो सब निर्मित है, ये तो समाज ने तुमको दिया है, ये तुम जन्मे और इस पर्सनैलिटी को क्रिएट किया गया, तुमसे कहा गया ये तुम्हारा नाम, ये तुम्हारे पिता का नाम, ये तुम्हारा सरनेम, ये तुम्हारी जात, तुमसे कहा गया ये तुम्हारा धर्म, ये अच्छी बुरी चीजें, और तुमसे कहा गया कि इसको डेवलप करो, पर्सनैलिटी को क्रिएट करो, कुछ बड़ा अचीव करो, क्यों? ताकि तुम्हारी कीमत हो इस दुनिया में। तुमसे कहा गया कि इतना पैसा जेब में हो तो इसके होने का फायदा है, तुमसे कहा गया कि अगर ये पदों पे तुम हो तो इसके होने का फायदा है, कभी इसके बारे में तो? और जब जन्मे तो यही थे, और ये जो पर्सनैलिटी है ये क्रिएटेड है, ये बनाई गई है सोसाइटी के द्वारा, और एक समय के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो उसके भीतर दो चीजें विकसित होगी, एक है बुद्धि, एक है मन, है ना? एक है बुद्धि, एक है मन। अब इस मन के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि मन का क्या मतलब है, मन क्या है, क्या कोई अवयव है? नहीं, आज somehow विज्ञान ने यह समझ लिया कि यह मन है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि मन का काम है धारणा। मन क्या करता है? धारणा को पकड़ लेता है या धारणा को बनाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी वैसा ही है, वो किसी चीज को पकड़ लेगा तो उसको पकड़ लेगा। रिसेंट हुई जो डिस्कवरीज है वो बताती है कि सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे माइंड का कोई पार्ट है, सबकॉन्शियस माइंड है तुम्हारी बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, तुम 4 बजे अपने आप, अगर तुम्हें उठने की आदत, तुम अपने से उठ जाओ, ये तुम्हारी आदत हो गई, ये तुम्हारा मन का बिहेवियर है, तुम्हारे बैठने की एक तरह है, तुम्हें तुम जानो ना जानो तुम इनडायरेक्टली वैसे ही बैठोगे, सेम पोजीशन में बैठोगे, तो जैसे तुम हमेशा बैठते हो, तुम्हारे अननोइंगली बैठोगे, ये तुम्हारा सबकॉन्शियस है, वो धारणा आप बन चुकी, तुम वैसे ही जियोगे, ठीक है? तो ये तो तुम कब से गए, ये पर्सनैलिटी के बारे हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसको समाज बना रहा है, और इसको बनाए रखने के लिए तुम्हारे भीतर दो डिवाइस है, एक है माइंड, एक है मन। क्यों? क्योंकि मन का खाद्य है सोच विचार, मन का खाद्य है कल की सोच, आगे की या पीछे की। तो तुम हमेशा पाओगे कि तुम हमेशा एक स्टेट में हो, या तो तुम भविष्य के बारे में सोच रहे हो, या तो तुम भूत के बारे में सोच रहे हो, तुम बस सोच विचार में हो। अब गधों की नई जमात आ गई, वो तुमसे कहते हैं थिंक पॉजिटिव। वाह, ये आए, ये नया रास्ता चुन के आए, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। याद रखना, जो पॉजिटिविटी की ज्यादा बात कह रहा है ना, वो खुद के नेगेटिविटी से परेशान, वरना इतना पॉजिटिव पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं। हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलने वाला बंदा ही खुद के झूठ से परेशान है, इसलिए वो बाहर बता रहा है कि सच बोल। जो लोग ज्यादा पैसा नहीं कमा पाए जीवन में, वो हमेशा कहेंगे पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, वो पैसे के लिए पागल है। क्यों? क्योंकि अपने भीतर से वो गरीब है। और कुछ लोग ऐसे भी है जो कहते हैं कि ज्यादा पैसा है तो कुछ काम की बात नहीं है, अपना कम है तो सही है। ये लोग भी बड़े नालायक हैं, क्योंकि ये कमा ना पाए इसलिए जिनके पास है उनको गाली देके मुक्त। ये द्वंद्व है, ये आया द्वंद्व, ये बनी तुम्हारी पर्सनैलिटी, इससे निर्मित हुआ द्वंद्व। इस पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के लिए तुम्हें सच झूठ चाहिए, इस पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के लिए तुम्हें अच्छा बुरा चाहिए, इस पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के लिए तुम्हें एक तो भविष्य या भूत के हमेशा विचार चाहिए। और ध्यान क्या है? ध्यान है इस वक्त में रुक जाना। जैसे ही तुम इस वक्त में स्थिर हुए, ना तुम्हें भविष्य बचा ना भूत। और मन बड़ा चालाक है, मन तुम्हें हमेशा कहेगा आज नहीं कल। तुम कहो खुद से कि मैं व्यायाम करूंगा, तुम्हें सुबह उठना ही नहीं देगा, बोले कल से थोड़ा एक घंटा तो सो ही लेता। होता है ना सबके सब, हम कुछ तय करते हैं और फिर दूसरे दिन वो समय आने के बाद शाम को डेफिनेटली कल, आज थोड़ा नींद अच्छी आ रही, रात को सोया नहीं, बहुत थका हुआ। ये मन का काम, ये द्वंद्व में निर्मित है, ये तुम्हें एक तो अच्छाई बुराई में अटकाएगा, ये तुम्हें खुद के गिल्ट में डालेगा, ये तुम्हें ये बताएगा कि तुम किस तरह से नीच हो, ताकि तुम अपने ही नजरों में गिरो और इस तक कभी पहुंच ना पाओ। क्योंकि यहां पे ना कुछ सच है ना झूठ है, यहां पे ना कुछ
अच्छाई है ना बुराई है, यहां ना स्वर्ग है ना नरक है, यहां पे है बस होना मात्र। तो शिव तुमसे कहते हैं कि तुम कौन हो, तो तुम हो चैतन्यम आत्मा, तुम हो चैतन्य, तुम हो आत्म तत्व, तुम हो जागरूकता, तुम हो बस होना मात्र। तो जो भी ध्यान के प्रोसेस में गए हैं, जिन्होंने भी मेडिटेशन किया है, कभी एक सेकंड के लिए या दो सेकंड के लिए उन्होंने एक ऐसी स्टेट अपने भीतर एक्सपीरियंस की है जब वो बस है, ना भविष्य की चिंता बची ना भूत की चिंता बची। कभी आधे घंटे के या एक घंटे के या 15 मिनट के ध्यान में एक दो सेकंड के लिए तुम्हारे पास एक ऐसी स्थिरता आ जाती है कि बस तुम्हारा होना मात्र पर्याप्त है, बस तुम हो उस क्षण में। अब ये होना ही सच्ची प्रक्रिया है, इसी के द्वारा तुम उस आत्म तत्व तक पहुंच सकते हो। याद रखना, ये होना ही तुम्हारी सच्ची सच्चाई नहीं है। तो साक्षी के जो तीन विधान मैं हमेशा कहता हूं कि शरीर साक्षी, विचार साक्षी, मन साक्षी, तो लोग कहते कि फिर ये मन साक्षी होने के बाद क्या एनलाइटेड हो गया? ना बोलो, यह द्वंद है अभी भी, एक है साक्षी एक है तुम, यह भी द्वंद है। तो शिव के बारे में जो पहला सूत्र है, शिव ने कह दी अंतिम बात, शिव ने तुमसे पहले ही कह दिया कि तुम हो कौन, शिव ने तुमसे पहले ही कह दिया कि बात बड़ी साफ है। तुमने शार्क टैंक देखा है? किसी ने देखा है शार्क टैंक? एक अच्छा शो है सोनी टीवी पर। उसमें ऐसा हुआ है कि कुछ इन्वेस्टर्स बैठते हैं और वो लोगों को इन्वेस्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट बताने के बाद। उसमें एक अश्नीर ग्रोवर करके बंदा है, तो एक बड़ा एकदम कैलकुलेटिव बंदा है, बड़ा प्यारा बंदा है। जब सामने वाला आता है, बड़ी बातें करता है कि ऐसा है मेरा बिजनेस फलाना, वो कहता है धंधा कितना है उतना बता, बाकी ये वो पूरी दुनिया मत घुमा तू। बात सीधी है, तू धंधा करने के लिए आया है, हम धंधे में तेरे पैसा डालने के लिए बैठे हैं, धंधा कितना कर रहा उतना बता, आखिरी की चीज पहले बता, बाकी का सब तेरे को पता है। ये पूरी दुनिया को सुधारना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, ये ऊपर के लेवल छोड़, धंधा क्यों कर रहा, पैसा कमाने के लिए, बात सीधी। तो महादेव ने तुमसे पहली बात सीधी कह दी कि तुम कौन हो, तो तुम आत्मा, तुम कौन हो तो पहले ही बोल दे रहा कि तुम वो अंतिम चीज हो। ये जो तुम खुद को समझ रही है तुम नहीं, इससे ही आगे की स्टोरी निर्मित है, इससे ही अब आगे के सूत्र में कुछ रास्ता है। यहां से शुरू होके 57वें सूत्र तक बात है।